और खबरें अब विस्तार से। चुनाव के नतीजे सामने आने के साथ ही यह साफ हो गया कि यूपी में बीजेपी ने विपक्ष को क्लीन स्वीप कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बंपर बढ़त के साथ जश्न की क्या तस्वीरें सामने आई, जगह जगह किस तरह से जश्न मनाया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। जीत गया बाबा बुलडोजर माला, जीत गया बाबा बुलडोजर। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। जीत गया बाबा बुलडोजर माला, जीत गया बाबा बुलडोजर माला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बंपर जीत के साथ मनाई जाएगी। जो नाम बुलाए हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। खुशी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। देश तो आने वाली 18 मार्च को होली मनाएगा, लेकिन 18 मार्च की होली से पहले यूपी में बीजेपी की होली शुरू हो गई। यूपी में सत्ता का नशा भगवा रंग में रंगा था और लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर के बाहर रंग और गुलाल उड़ रहे थे। ये जीत का जश्न था, ये जश्न था 37 सालों के इतिहास को बदलने का, ये जश्न था बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने का, ये जश्न था योगी आदित्यनाथ की शानदार जीत का, ये जश्न था यूपी के इतिहास को बदल कर बीजेपी के भगवा परचम को बुलंद करने का। जाहिर सी बात है, भाजपा ने प्रदेश में अभी तक 4 मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने अपनी सत्ता रिपीट नहीं की है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो उत्तर प्रदेश में बदला है और ये इस तस्वीर का जिक्र किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने एक बार फिर से उन्हें समर्थन इस बात को लेकर दिया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। शुरुआत से आए रुझान ये साफ कर गए कि यूपी की सियासत का नक्शा फिर एक बार बीजेपी के भगवा रंग में रंग चुका है। सैंतीस साल का इतिहास अब बदल चुका है। बीजेपी ने जनता के विश्वास को जीता और मुहर लगी बीजेपी के कमल पर, जिसके साथ ही पूरे के पूरे यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर जबरदस्त जश्न देखने को मिला। जीत का सेहरा बधा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस प्रचंड जीत की बधाई पूरे प्रदेश को दी। जनता जनार्दन ने जो इसमें व्यापक अपना समर्थन दिया है, चुनाव के प्रति हमने देखा है, खास तौर पर आधी आबादी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है।